अस्सलाम वालेकुम असलम वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड व्लॉगिंग विद देर से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग का वेट कर रहे होंगे ज़ैनब व्हिच कलर इज दिस ओके व्हाट इज दिस वेरी नाइस ओके नाउ व्हाट वी विल डू डू टुडे वी विल tracing 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 no 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 we will do बेबी सर्कल स्मॉल स्मॉल है छोटे छोटे स्मॉल सर्कल स्मॉल काउंट करो वन वी शुडेंट गिव इरेजर इन चाइल्ड हैंड बिकॉज दे फील फन वाइल इरेजिंग सो बार बार वो मिस्टेक्स करते हैं बार बार वो अगर सही भी लिखा हो सही भी ट्रेस कर रहे हो फिर वो भी तब भी वो इरेज यूज़ करते हैं सो डोंट गिव इजर इन चाइल्ड्स हैंड एंड कीप इरेजर इन योर हैंड और अगर कुछ भी रॉन्ग हो गया तो आप इनको इरेज उनके सामने करें और उन्हें बताएं कि यहाँ से इरेज हो रहा है यहाँ से रॉन्ग हो रहा है तो इसको uh, जो है आप ही रेस करेंगे और दोबारा यहाँ से ट्रेस करेंगे uh, क्योंकि इसका फर्स्ट अटैम्प्ट था uh, ट्रेसिंग का तो ऑबसली uh, इसका हाथ पकड़ के ही करवाना था विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली शी विल इन विल डू ट्रेसिंग बाय हर सेल्फ इन और अगर बच्चा अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करें उसको स्टार दे दें छोटा सा कुछ भी स्टिकर वगैरह लगा दें और कुछ भी कलर्स करवाने से पहले उस पिक्चर की रिकोग्शन ज़रूर बच्चे को दिया करें रिकोगनाइज़ करवाया करें कि क्या क्या बनाया मैं तो यहाँ मैंने इसको रिकगनाइज़ करवाया और जैनब को क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो शी वॉज हैप्पी टू डू कलर इन द बॉल फर्स्ट तो फिर मैंने सबसे पहले बॉल में कलर किया तो इस तरह से यू कैन आस्क योर चाइल्ड उस उनकी भी इस तरह से इन्वॉलमेंट भर्ती है बाय लर्निंग है एनी थिंग तो आप उनको भी जरूर पूछा करें उनकी भी ज़रूर जो है राय लिया करें बच्चे को साथ साथ पूछा करें उससे पता चल रहा हो कि मम्मा मुझसे पूछ के कर करेंगे जो भी आप टीचर हैं कुछ भी फादर अगर टीच करवा रहे हैं ब्रदर करवा रहे हैं सिस्टर करवा रही है कोई भी है तो आप उनसे भी पूछा करें उनको बताया करें तो यहाँ ये यह देखिए मैं आपको अपना हैंड शो करवाऊँगी कि मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा अपना हैंड लूज़ रख रही थी कि खुद से कलर करें तो शी वॉज़ डूइंग कलर वेल तो ये इसकी तीन दिन की मेहनत है लेकिन मेहनत अभी इसकी इतनी नहीं है अलहमदिल्ला ये खुश होकर बैठ जाती है और ख़ुद कहती है कि ममा मैंने मतलब बुक निकालें पढ़ते हैं है, कलर करते हैं ईच एंड एवरी थिंग तो यहाँ पर मैंने थोड़ी तो सी स्पीड ज़्यादा की है जिसकी वजह से आपको अभी इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा लेकिन अलहदुल्ला शी इज़ डूइंग वेल और अगर कलर की ग्रिप अच्छी नहीं होती है तो फिर इसको दोबारा पकड़ती है अलहमद शी इज़ डूइंग वेल दिस इज योर बुक वट इज दिस गुड गर्ल ठीक अच्छी बट्टियों को तरह बैठते वेरी गुड वर्कल सर्कल ओके विच कलर यू डीड इन दर्कल कलर कौन सा किया था आपने विच कलर रेड कलर वेरी नाइस वेरी गुड अप

उट हो गया ना? तो आउट नहीं करना नहीं करना आप कल से आउट करोगे नहीं नहीं करोगे ओके आज मम्मा आपको सर्कल्स दिखाएंगी ओके अब अपनी फिंगर दो गिव मी योर फिंगर ये देखें ये फील करो ना ये देखो ये देखो सर्कल कैसे है ये देखो वो ये देखो विद तो बिग सर्कल ओके okay, okay, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहाँ पे सर्कल है, ये, ये देखो ये, ये भी सर्कल है, सर्कल है। ये देखो सर्कल, <laughs> है। ये <दिखो>, सर्कल। <laughs> अब आप फील करो फील ये सर्कल है ना ये भी सर्कल है वाह वेरी नाइस जैनब इट्स सर्कल वो ये तो है सर्कल है ना ये भी सर्कल है प्लानर ओके okay. ये भी सर्कल है ये ये कैसे है आप मुझे फिंगर से अपने दिखाओ कैसे है फिंगर से फील करो ना सर्कल कहाँ बना है फील करो फिंगर uh, से इसके ऊपर फील करो ऐसे नहीं मम्मा ने कैसे फील करना सिखाया है ऐसे सर्कल ओके ओके अब आप इसका फील करो इसकी क्या शेप है ये सर्कल है ना ये भी सर्कल अरे वाह क्लैपिंग फॉर जैनब वेरी गुड ओके अब आप मुझे ये शेप आप मुझे फील करो विच शेप इज दिस ये सर्कल है ना ये भी सर्कल है ओके अब आप ठीक है ये सर्कल है ना ये भी सर्कल है लेकिन आप इसको मुझे फील तो करके देखो जैसे मम्मा फिंगर से फील करती है

शक्ल ये शक्ल होता ना ये भी शक्ल होता ना ये भी शक्ल होता ना ये 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 भी शक्ल होता सब शक्ल होता वैसे ये शक्ल होता ये भी शक्ल होता ये भी वैसे ये शक्ल होता ना ये भी ये भी शक्ल होता वेरी गुड नाउ क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ वेरी नाइस मेरा बच्चा थैंक यू ओके okay, जी आज एम को रिवीएन करवाई है सर्कल की री इनफोर्समेंट करवाई है बिकॉज ये अभी बिल्कुल इसका स्टार्ट है तो पहले एक चीज़ अच्छे से जहन निशीन हो जानी चाहिए आई थिंक सो माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मा? जी सुने तो इसलिए मैंने आज घर की कुछ चीज़ें जो कुछ इसके टॉयज हैं जैसे कि ये इसका एक टॉय पॉट है उसका ये लिड है तो मैंने इसको फील करवाया कि इसकी भी शेप सर्कल है एंड हेयर इज़ एन अदर कैप ऑफ यू कैन से जार तो उसका भी मैंने इसको जो है शेप फील करवाया दट इट इट इज ऑल्सो सर्कल एंड हेयर इट इज़ अ कैप ऑफ अ बॉटल वाटर बॉटल तो इसका भी जो है सर्कल है शेप तो जैन इसको फिंगर रखती है और फील करती है uh, जैसे ये देखें ये स्मॉल सर्कल्स हैं ना जिसके ऊपर ट्रेसिंग की थी इसी तरह से ये सर्कल है नो no डाउट अभी कलरिंग बिल्कुल uh, भी इसकी ठीक नहीं है लेकिन इन शह शी विल इम्प्रूव दैसेज ऑफ टाइम तो ये देखिए जैसे कि आज भी इसने इसमें कलर किए हैं मैंने इसको थोड़ी सी कोशिश की है इसको थोड़ा सा आ, डिफरेंट करवाने की तो मैंने येलो जो है वो डक में करवाए हैं ताकि इसको थोड़ी सी रिकग्निशन भी हो तो कि कौन सी चीज़ में क्या कलर करना चाहिए तो इसलिए मैंने डक में येलो कलर करवाया और जो बाकी की पूरी लाइफ बेल्ट है उसमें मैंने इसको लाइट ब्लू जो स्काई ब्लू कलर होता है ना वो मैंने इसमें करवाया तो इसमें भी अभी इसने आउट किए हैं आ, मैंने इस रेज भी किए हैं लेकिन इतने अच्छे से रेज़ नहीं हुए एनी एनी हाउ इसी तरह से इंशाल्लाह ये योयो यो में भी हम कलर करेंगे आ, अगर इसका दिल चाहा तो ये शाम तक ये भी कलर कर लेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम नेक्स्ट शेप पे कल चलेंगे इंशाल्लाह एंड स्टे ट्यून स्टे विद मी इन वी विल लर्न टुमारो दिस ओके 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 गुड गर्ल तो इनशाला फिर कल हम जो है स्क्वायर uh, पे चलेंगे नेक्स्ट शेप नेक्स्ट जो है लर्न करेंगे तो so, आपने मेरे साथ रहना है स्टे ट्यून एंड देखते रहिए और इतनी अच्छी छोटी सी बेटी uh, बच्ची जो है वो मेहनत करी है तो एक लाइक तो बनता है प्लीज़ लाइक किया करें शेयर किया करें चैनल को और सब्सक्राइब कर दिया करें इनशाला नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलेंगे जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा तो में याद रखेगा अल्लाह हाफिज़ और ये